अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आशर खान और मैं वुल्फ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ओपन एआई के अलावा कौन से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट्स हैं जो आप अपने बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर 7 वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगा जो आपके बिजनेस के अंदर यूज हो सकती हैं। आप उससे अपना बिजनेस जो है ऑटोमेशन के ऊपर भी कर सकते हैं और उसको जो है एज अ अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी यूज कर सकते हैं कि आप एक अच्छा बिजनेस कर सकें। आए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको फिर बताता हूँ कि आप किस तरह जो है उन वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं और उन्हें किस तरह यूज कर सकते हैं। अब जब हम स्क्रीन पे आ गए हैं तो हमारी पहली वेबसाइट है रनवे। रनवे एक ऐसा एआई सिस्टम है जो कि आपकी वीडियो और पिक्चर्स को जो है वो कोई भी बैकग्राउंड उसको रिमूव कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर एक अकाउंट बनाएंगे फर्स्ट। हम इसको साइन अप कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसको साइन अप कर लिया है, अब इसके अंदर मैजिक टूल्स हैं कुछ। हम ये फ्री के ऊपर जो है वो आप 720p की जो वीडियो एडिट कर सकते हैं, प्रो के ऊपर जो है वो 4K की कर सकते हैं और इसके अंदर अनलिमिटेड आपको जो प्लान अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अभी हम फ्री की तरफ जाते हैं तो हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर जो है मैजिक टूल्स हैं, आप वीडियो की कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं, आप वीडियो में से कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्रिएट एक वीडियो करके दिखाता हूँ और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एक वीडियो को जो है आप उसके अंदर से जो है चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हमें वीडियो मिली है इसमें मैजिक टूल्स हैं, आप इनको अपनी वीडियोस के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम इसको फर्स्ट करेंगे, अब हम यह मैजिक टूल यूज़ करते हैं। जैसे हम मैजिक टूल यूज़ करते हैं इसके अंदर, अब जब हम मैजिक टूल में जाते हैं सबसे पहले हम जो है ये वीडियो चेंज कर लेते हैं कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपने वीडियो कोई भी जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, आप अपने पीसी से भी जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। देन आपने इसके मैजिक टूल के अंदर जाना है। जैसे आप मैजिक टूल के अंदर जाएंगे, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सामने से हटाना है, वीडियो में से हटाना है। तो आपने जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ करेंगे, लेट सपोज अभी मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो आप ये पीछे वीडियो देख सकते हैं और मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। अब ये AI टूल क्या करेगा, ये पहले इसको पूरा एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये ऑब्जेक्ट पूरा रिमूव कर देगा। अब देखें, जैसे आपने पूरा ऑब्जेक्ट था पूरी वीडियो में से, ये हम रिमूव कर चुके हैं। जो लड़की थी जो सामने आ रही थी, AI ने सारी वीडियो जो है न्यूली इसको क्रिएट करके और सामने से जो है वो पर्सन को हटा दिया। तो ये टूल जो है आपके बहुत ज़्यादा वर्केबल हो सकता है। अब ये देखें, अब वो जो लड़की थी वो बिल्कुल रिमूव हो चुकी है इस वीडियो में से, आप उसको देख भी नहीं सकते। ये टूल जो है आपकी एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वर्केबल होगा और बहुत ज़्यादा जो है आपको इन फ्यूचर जो है आपके एडिटिंग स्किल्स को अच्छा करेगा। अब हम नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो वेबसाइट क्या कर सकती है। तो टॉम के अंदर आपको स्लाइड्स बना के देती है, आपने कोई भी स्लाइड्स जो है वो राइट डाउन करनी है या कोई भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो टॉम के अंदर आपने ट्राई नाउ करना,
और अपना एक अकाउंट जो है वो बना लेना। मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अब ये आपको कुछ टेम्पलेट्स जो है वो आपको डैशबोर्ड में आप जैसे ही आएंगे ये आपको कुछ टेम्पलेट्स देगा जो कि आप जो है वो स्लाइड्स बना सकते हैं। हम ये टेम्पलेट जो है फर्स्ट वाली लेंगे और इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन इसको करेंगे तो हमने जस्ट इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और ये बाकी खुद करेगा। और टॉम पे आप जो है अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं और इसको अपने जो ऑफिस वर्क के अंदर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे जैस्पर पे। जैस्पर जो है एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसकी जैस्पर पे आप जो है वो ब्लॉग्स बना सकते हैं, आप फेसबुक का कंटेंट लिख सकते हैं, आप जो एड्स लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उसके अंदर जो है इधर से कंटेंट जनरेट करके और एसईओ फ्रेंडली उसको बना सकते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है ब्राउज एआई। ब्राउज एआई क्या करता है, ये आपको मॉनिटर करता है, मतलब कि जितनी भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर हेल्प आउट करता है, जैसे गूगल शीट्स है, फिर उसके बाद हॉटस्पॉट है, फिर उसके बाद वेब फ्लो है। तो ये जितनी भी हैं ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इसकी APIs प्रोवाइड कर देता है और इसकी ऑटोमेशन जो है वो जनरेट कर देता है। जो है नेक्स्ट वेबसाइट है हमारे पास मिड जर्नी। जो मिड जर्नी है ये बहुत अच्छा एक AI टूल है जो कि आपको हेल्प आउट करता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनाने की, कि एक अच्छी पिक्चर वो आपको बना के देता है। लेट सपोज आप इससे कोई भी इसको जो है बाय टाइपिंग कोई भी चीज़ इसको बता सकते हैं और ये आपको एक अच्छी पिक्चर जो है वो जनरेट करके दे देगा। इसके बाद आती है वेबसाइट हमारे पास कंटेंट एज। कंटेंट एज आपको SEO फ्रेंडली जो है वो आपका कंटेंट बनाने के लिए हेल्प आउट करता है और आपकी वेबसाइट्स को जो है वो रैंक आउट करता है गूगल के ऊपर और बाकी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और ये बहुत अच्छा टूल है, मैं इसको पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है साउंड ड्रॉ। साउंड ड्रॉ जो है आप इधर से इसको साइन अप कर सकते हैं और साउंड ड्रॉ से आप बहुत अच्छी जो है एक साउंड्स बना सकते हैं और उनको जो है सोशल मीडिया के ऊपर या आप किसी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है बहुत अच्छा आपको हेल्प आउट करता है म्यूज़िक बनाने के लिए। बेसिकली अगर आप कोई फेसबुक का आपका पेज है उसके ऊपर आप कोई कंटेंट देना चाहते हैं तो आप इधर से जो है उसकी बहुत अच्छी जो म्यूज़िक है वो बना सकते हैं। और बेसिकली इसके जो है वो प्लान जो है प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, ये $16 पर मंथ जो है वो आपसे चार्ज करता है और आप अनलिमिटेड म्यूजिक्स जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट हमारी है पिक्टोरी। पिक्टोरी जो है एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ओपन AI से या किसी भी AI से जो है वो आपने पूरी एक कंटेंट लिखना है और ये आपको सेम टू सेम देगा जिसके ऊपर जो है आप वीडियो कंटेंट जो है वो बना के अपलोड कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी कुछ और यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपने ये 7 वेबसाइट्स देख ली हैं तो इसके अंदर जो है आप अपने बिजनेस को इसको यूज़ करके जो है आप अपने बिजनेस को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं और एक अच्छी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। बेसिकली आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें कि हम आपको जो है और भी इंफॉर्मेशन दे सकें जिससे आप एक अच्छा बिजनेस जो है वो इस 2023 में रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।